तो हम बात कर रहे हैं आज आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हमारा पहला स्टेज है, हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में। तो लास्ट क्लास में बताया था हमने आपको कि वीवीए माइक्रो और रिकॉर्डिंग माइक्रो बोथ ऑफ द सेम होता है, अलग अलग नहीं। हाँ जी। लेकिन क्या फायदा क्या है रिकॉर्डिंग माइक्रो का, चलिए इस बारे में हम जानते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो करता क्या है, रिकॉर्डिंग माइक्रो करता यह है कि आप जहां भी जो भी माउस एक्शन करते हैं ना उसको कोड में कन्वर्ट करता है। डेवलपर में गए यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो ओके करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर नेम लिखा, फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर रॉल लिखा, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने उसको मार्क्स लिखा, ठीक है। अब इसको स्टॉप कीजिए, तो अगली बार जो हम करेंगे, अगली बार जो हम यहाँ से रन करेंगे तो हमारा ये चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो ने किया क्या कि सारे स्टेप का देखिए यहाँ पे कोड बना दिया, ठीक है ठीक है। इसने खुद बखुद प्रोग्रामिंग लिख दी। अब इसमें राइट क्वेश्चन ये आता है कि जब माइक्रोज मेरे पास है, रिकॉर्ड माइक्रोज है जो खुद बखुद अपने आप प्रोग्राम बना देता है, तो फिर हमें वीवीए प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत क्या है राइट क्या? तो ये तो आपका सेट पैटर्न ऑफ पे चलेगा। अगर मुझे कुछ एडिट करना है और कुछ रेंज देनी है वो इसमें नहीं दे पाऊंगा। हाँ मतलब कि वो डायनेमिक नहीं होता है, कनेक्टिविटी नहीं होती है इसमें, कंडीशंस नहीं होते हैं, रिपीटेशंस नहीं होता है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इन शॉर्ट कहें कि आप रिकॉर्डिंग माइक्रो से एक भी अच्छी माइक्रो नहीं बना सकते। तो राइट फिर इसका यूज क्या है? तो इसका दो यूज होता है। पहला यूज होता है आपका लर्निंग पीरियड में एज ए डिक्शनरी। जैसे मान लीजिए आपको पेस्ट स्पेशल का कोड पता नहीं है, तो आप क्या ओके करेंगे रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्डिंग माइक्रो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करके ओके करें और यहाँ पे इसको कॉपी करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आप क्या करें पेस्ट स्पेशल हमने वैल्यू कर दिया। ओके अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ माइक्रो में जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, राइट। ठीक और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ कॉपी डी3 डॉट सिलेक्ट और पेस्ट स्पेशल पेस्टेज वैल्यू कर दिया, ओके ओके मेरे ठीक है। को डिक्शनरी के टाइप का हो गया, मेरे को पता जाएगा अगर ये करना है तो कैसे होगा। हाँ मतलब कि हमें पता चल गया ना इसका क्या होता है, इजिली हमें पता चल गया, ठीक है। राइट तो इस तरह की चीजें आप अपने ऑफिस में कर सकते हो और इससे आपका फायदा भी होगा। ओके okay. दूसरा आता है कि जब आप अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब मैं माइक्रो अच्छी तरह से सीख जाऊंगा क्या तब भी इसको यूज करूंगा, तभी हम यूज करते हैं कोडिंग से बचने के लिए। चलिए एक प्रोजेक्ट आपके साथ हम करते हैं, आप देखिए किस तरह से रिकॉर्डिंग माइक्रो का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोड तो कम समझ में आएगा बट आप समझ जाइए कि किस तरह से इसको हम यूज करते हैं। तो आपके सामने ये डेटा है हमारे पास, इसमें पर्टिकुलर नेम है। अभी क्या है कि मुझे फोन आता है नीतू का कि बोलता है कि सुजीत मुझे मेरा डेटा दे दो, ठीक है ठीक ठीक है। तो मुझे यहाँ नीतू का डेटा मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, है ठीक ठीक है। नीतू का डेटा हमें यहाँ देना पड़ेगा, है तो हम चाहते हैं कि ऐसे एक मैक्रो बनाए जो रन करे, मुझसे नाम पूछे, मैं नाम डालो और उसका डेटा उसको कॉपी पेस्ट कर दे दूसरे शीट, ठीक है ठीक है। कैसे करें? तो चलिए इसके लिए माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रो रिकॉर्ड करते समय ध्यान रखिएगा कोई एक्स्ट्रा माउस मूविंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं, एक क्या बोलते हैं कहीं भी इधर उधर क्लिक नहीं, स्क्रॉल नहीं, जो जरूरत है वही कीजिएगा, क्योंकि तो जो भी करेंगे उसका कोड बन जाएगा। अगर आपने कुछ फालतू काम कर दिया तो फालतू काम का भी कोड बन जाएगा जो आगे चल के ओके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ठीक जैसे मैं सीट 3 पे चला गया, अब सीट 3 पे जाने का कोड बन गया, अब जब भी मैं माइक्रो रन करूंगा तब भी सीट 3 पे जाएगा, अगर सीट 3 नहीं हुआ तो एरर देगा। ओके इसलिए जो जरूरत है उसी को करें। ठीक है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे मान लीजिए अमर को सेलेक्ट किया, ओके। अब मुझे इसको डेटा सेलेक्ट करके कॉपी करना है, हाँ जी लेकिन ओके माउस सिलेक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि माउस सिलेक्ट करूंगा तो एक एरिया कॉपी हो जाएगा और एरिया ठीक घटते बढ़ते रहते हैं ना। है कंट्रोल ए करेंगे ठीक करना नहीं, कंट्रोल ए भी नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एनो डाउन एरो, और इसमें हम करेंगे कंट्रोल जी कंट्रोल जी स्पेशल विजुअल सेल्स ओनली,
ताकि फिल्टर के पीछे का डेटा कॉपी ना हो। ओके सिलेक्ट हो गया, अब मैं इसको कॉपी करता हूं। अब मेरे पास ऑलरेडी दो शीट है, फिर भी मैं इस डेटा को एक नई शीट पे पेस्ट करूंगा। रीजन, अभी मेरे पास दो शीट है, इन फ्यूचर में ना हुआ तो। ओके फिर मैं यहां इसको अमर लिखता हूं, चेंज करता हूं, फिर राइट क्लिक करके मैं इसको मूव करता हूं एक नई फाइल में, और फिर इस फाइल को सेव करता हूं अमर नाम से। ओके और यहां मैं दे देता हूं अपना पाथ पाथ, और यहां पे फोल्डर के किस फोल्डर में सेव कर रहे हैं, ठीक है। सेव कर दिया, और इसके बाद मुझे इस फाइल को क्लोज करनी है। सीट टू में जा, सीट वन पे जाना है, फिल्टर हटाना है और स्टॉप कर देना है। अब इस माइक्रो को रन करने पे एरर देगा, कहां कहां एरर देगा चलिए समझाते हैं। कोड को पढ़िए, क्योंकि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का कोड है, कोई खास दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने ए वन को सिलेक्ट किया, हमने ऑटो फिल्टर अप्लाई किया, कंट्रोल से फिल किया, फिर अगेन बड़ा कर दो, बड़ा समझ रहा हाँ। ठीक है जी, तो यहां देखिए ये आपका है, इसने A1 को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन ऑटो फिल्टर, और एक यहां भी फिल्टर लगा है। तो आप जानते ही है ना, किसी डेटा पे दो बार फिल्टर लगाएंगे, एक बार अप्लाई होगा, एक बार डिसअप्लाई होगा, ठीक है। तो एक फिल्टर मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन सॉरी A1 सिलेक्ट रहने चाहिए, मुझे इसको हटाना था ना, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद A1 हमने फिल्टर लगाते समय डेटा को सिलेक्ट किया नहीं था, ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्ट हो गया था, तो हमने A1 कर दिया, बाकी सब सही है, यहाँ पे बाकी सब सही है, पेस्ट हो गया। अब देखिए एक्टिव सीट डॉट पेस्ट और सीट 4 डॉट सिलेक्ट, और सीट 4 का नाम हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, देखिए ओके सीट 4 सीट 4। अब सीट 4 तो हमेशा इंसर्ट नहीं ना होगा जी, तो एक्टिव सीट डॉट नेम और यहाँ B7 अमर डॉट सिलेक्ट इसको कर दीजिए, इसके बाद अमर डॉट मूव तो इसको हटा दीजिए, एक्टिव सीट डॉट मूव इसकी जरूरत नहीं है। अब आपका जो अभी जो माइक्रो है, ये माइक्रो अब जो है आपका, अब ये माइक्रो 100% वर्क करेगा, लेकिन एवरी टाइम ये अमर का ही बनाएगा, दिख रहा है ना सर? राइट। अब मुझे इस अमर को ऑटोमेट करना है, राइट। इस अमर को ऑटोमेट कैसे करें, चलिए इस पे देखते हैं। ओके तो अमर को करने के लिए यहां इस पे एक वेरिएबल लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते हैं ना, हाँ जी, ऐसे मैं लिखूंगा पी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर, नहीं एंटर एंटर, ठीक है, और जहां जहां अमर है वहां वहां पी कर दूंगा, राइट सर, ठीक है। अब यहां मुझे पी करना है, लेकिन इन्वर्टर को वहां के अंदर पी करना सही नहीं होगा, इसलिए मैं उसको कॉनकेट करूंगा, ठीक है, कर दिया कॉनकेट नेट लगाया सर, ज्वाइन किया, ओके, क्योंकि जो पी है ना सर तो वेरिएबल है ना, राइट, अगर मैं पी के अंदर इसी के अंदर पी डाल दिया तो पी नाम का ही फाइल बना देगा, बट मुझे पी के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है उस पे करना है ना, ओके। अब फाइनली हमारा रिपोर्ट प्रिपेयर हो गया, अब चलिए इसको एक बार रन करते हैं अपने डेटा पे, ठीक है, डेटा है हमारा, और माइक्रोज में जाते हैं, माइक्रो 3 रन करते ही पॉपअप आ रहा है, ये जो इनपुट बॉक्स का कोड डाला था ना उससे आ रहा है, पी पी
पी नहीं, इनपुट बॉक्स का कोड डाला, इनपुट बॉक्स नेम डाला, इसके अंदर जो डालेंगे नाम, जैसे डाला देव, ए पी पे स्टोर कर देगा, पी को देव बना, देव को पी बना देगा, जहां जहां देव चाहिए वहां पी देव को सप्लाई कर देगा, देव एक थर्ड पार्टी हो गया। ओके, जैसे ओके किया ए दिवाल ए एरर आ गया। ओके अच्छा एक्टिव, अच्छा ये रहा ना, ये माफ कीजिए एस लग गया था, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी सर। ओके फाइनल बन गया, हो गया डन। आप देखिए यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर 2021 के अंदर 10 के अंदर देखिए देव का फाइल बन गया राइट। तो इस माइक्रो के अंदर में हमने क्या किया कि थोड़ी बहुत हमने चेंजिंग की, क्या कोई ज्यादा चेंजिंग तो किया नहीं सर। आपने दो चेंज किए, एक तो आपने उसको डायनेमिक कर लिया, नाम को जो भी सिलेक्ट करोगे उसको नाम डालोगे उसको ले जाएगा, और एक आपने जो क्या कहते हैं फालतू की चीजें थे वो आपने रिमूव कर। हाँ, तो ये चीज है हम आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हम माइक्रो को रिकॉर्ड करके अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करें तो हम इसका यूज कर सकते हैं। राइट, ठीक है सर, ठीक है, डाउट इसमें नहीं सर, ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है विवेक जी, ऐसे 3-4 माइक्रो बना के उसको एडिट करने की कोशिश करें। ओके, 3-4 माइक्रो बनाइए, उसको एडिट करने की कोशिश करें। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करें। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि शुरुआत में चली चाहिए होती है अवेयरनेस। ओके, तो आप जब तक माइक्रो को रिकॉर्ड करोगे, उसको कोड करोगे, उसकी चेंज करोगे, तो आपकी अवेयरनेस आएगी। ओके, और फिर उसके आगे हम चीजों को चेंज करेंगे तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा।